इट लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स टू पावर माइनस ए एक्स टू पावर माइनस ए लॉग एक्स टू बेस ए लॉग एक्स टू बेस ए ठीक है और क्या दिया गया है सेक इनवर्स स ए टू दावर एक्स लॉग ए टू बेस एक्स ए टू दावर एक्स लॉग ए टू बेस एक्स ए ग्रेटर देन वन ए ग्रेटर देन वन है ना तो इसका वैल्यू आप कैसे निकालोगे ठीक है

सर वीडियो कैसे बैक होगा वीडियो बैक नहीं होगा आपको फिर रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा है ना आपको फिर रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा है ना <coughs> अब इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे देखो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे है ना लिमिट टू इनफाइनाइट इनवर्स का क्वेश्चन है ठीक है चलो हम लोग को थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज भी करना पड़ेगा मैं बार बार बोल रहा हूँ किसी को अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आफ्टर क्लास भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो आफ्टर क्लास भी आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो ठीक है

टू टू बेस डिवाइडेड बाय पावर ऐसे लिखोगे है कि नहीं अगर इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये भी है तो आप क्या लगा सकते हो यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगा सकते हो अगर एल हॉस्पिटल लगाओगे तो कैसे लिखोगे इसको ये आपका बेस क्या है ए है बेस क्या है ए है तो आप इसको कैसे चेंज करते हो कल भी मैंने बताया था आपको ये चीज है ना कैसे लिखोगे log x to base c divided by पहले क्या लिखूंगा मैं log a to base e है ना अभी तक मैंने एल हॉस्पिटल लगाया नहीं है अभी तक मैंने एल हॉस्पिटल लगाया नहीं मैं सिंपलीफाई किया हूं इसको x टू बेस e मैंने बताया था ना हमेशा इसको बेस e में कन्वर्ट करो तभी आप जब डेरिवेटिव लोगे तो प्रॉपर लोगे तो अदरवाइज आप सिली मिस्टेक कर जाओगे यहाँ पे ठीक है ये कल एक्सप्लेन किया था बहुत प्यार तरीके से एक्सप्लेन किया था इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट है ना

वन बाय लॉग ए टू बेस है इसको मैं ऊपर लिख देता हूं तो ऊपर लिखूंगा तो क्या करूंगा मैं टू बेस e ये भी बताया था है ना नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो बेस कैसे चेंज हो जाता है ठीक है और ये कितना हो जाएगा ए इक्स टू दावर ए माइनस वन इंटू एक्स एक्स टू दावर एक्स टेंस टू इनफाइनट अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा अभी जीरो मिलेगा दैट मीन इसका वैल्यू कितना मिला आपको जीरो इसका वैल्यू जीरो मिल गया जब आप यहां पे लिमिट अप्लाई किए तो आपको वैल्यू क्या मिल गया

ट इनवर्स जीरो कितना आ गया पाई बाई टू तो अल्टीमेटली आपको न्यूमिरेटर में क्या मिला पाई बाय टू क्लियर क्लियर असाइनमेंट क्वेश्चन ट्वेंटी वन असाइनमेंट क्वेश्चन ट्वेंटी वन क्या है 21 भी करा दूंगा ट्वेंटी वन भी सिंपल क्वेश्चन है है ना लिमिट को आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा उस ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन वाले मॉडल पे मैंने ऑलरेडी आपको काफी सारे क्वेश्चन करा दिए ठीक है सर फाइनल ईयर नॉट एलिजिबल क्लियर समझ में आया ये बता दो फटाफट समझ में आया समझ में आया ये रुक गया था क्यों रुक गया स्पीड क्लास इज गोइंग गुड ओके सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो कोई कहता है स्पीड पढ़ाओ कोई कहता है सर एक बार फिर से इंक्रीज कर दो ठीक है चलो कोई बात नहीं मैंने क्या किया लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट कॉट इनवर्स दिस बाय इन इनवर्स दिस है तो यहां पे ही मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा लिमिट यहां पर मेरे को अप्लाई करना पड़ेगा लिमिट क्लियर ए ग्रेटर देन वन आपको दिया गया है ठीक है चलो अब मैं क्या करूंगा अब मैं क्या करूंगा देखो मैंने ऊपर वाले को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिल गया जीरो मिल गया ठीक है इसी तरीके से मैं क्या करूंगा अभी इसी तरीके से मैं क्या करूंगा देखो है ना मैं यहां पे लिख देता हूं मैं यहां पे लिख देता हूं ठीक है इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा इसको अप्लाई करूंगा देखो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ए टू दावर एक्स लॉग ऑफ ए टू बेस एक्स है ना इसको मैं कैसे निकालूंगा ठीक है इसको मैं कैसे निकालूंगा क्योंकि ऊपर वाले को तो मैं डील कर लिया मेरे को जीरो मिला उसका वैल्यू क्वॉट इनवर्स वर्ष जीरो का वैल्यू पाई बाई टू होता है अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं कैसे लिखूंगा देखो लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स टू बेस ए ऐसे लिख सकता हूं इसको जब मैं डिनोमिनेटर में लाया तो लॉग एक्स टू बेस ए लिख दिया मैं क्लियर है ना ये बार बार नहीं समझाऊंगा बहुत बार समझा चुका हूं ऑलरेडी इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है ना अगर मैं इनफाइनाइट पुट करू ए टू दि पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट लॉग एक्स टू बेस एग ऑफ इनफाइनाइट यू विल गेट इनफाइनाइट दट मीन मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे देखो ए टू दी पावर एक्स लॉग एक्स टू बेस ई डिवाइडेड बाय लॉग क्या लिखूंगा मैं ए टू बेस ई क्लियर इसको मैं क्या लिखूंगा लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट है ना ए टू दावर एक्स इन टू लॉग ऑफ ए टू बेस ई और नीचे में क्या रहेगा लॉग ऑफ

इसको मैंने के ले लिया ठीक है ये के ले लिया मैंने एक कॉन्स्टेंट मेरे को मतलब ही नहीं है उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है ना क्यों बिकॉज अल्टीमेटली कितना आएगा आपका इनफाइनाइट ही आएगा अल्टीमेटली कितना आएगा इनफाइनाइट ही आएगा तो मैंने इसको कॉन्स्टेंट के से लिख दिया मैं इतना नहीं लिखा इसको के से लिख दिया मैं ठीक है क्लियर समझ में आया ना ये के क्या है यही है ये वैल्यू जो भी आएगा क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कॉन्स्टेंट इंटू इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट ऑनली तो इसका वैल्यू मुझे कितना मिला अभी देखो अगर मैं इसकी बात करूँ ना इसकी बात करूँ इसका वैल्यू कितना मिला मुझे इनफाइनाइट मिला क्लियर सेक इनवर्स इनफाइनाइट कितना होता है

सब समझ आ रहा है सर ओके okay. मैं फिर से बार बार बता रहा हूं देखो स्लो भी मेंटेन करना है स्पीड मेंटेन हाई भी करना है तो कुछ बच्चों को जिनको जो भी डाउट आ रहा है आफ्टर द क्लास आप मेरे को इजीली कांटेक्ट करके जो भी आपका डाउट है आप पूछ सकते हो लेकिन आप पूछोगे नहीं तो मैं क्लियर कैसे करूंगा अगर आप पूछोगे नहीं तो मैं क्लियर कैसे करूंगा फिर बताओ ठीक है क्लियर क्लियर सर प्लीज डिस्कस क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी में क्या है क्वेश्चन ट्वेंटी अरे सर डिस्कस कर दूंगा ये तो बताओ पहले क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग का रिप्लाई नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगा रिप्लाई नहीं है सर पोर्टेड मोड से अरे मैं पूछता हूं हुआ कि नहीं तो आप लोग बोलते हो कि सर आप थोड़ा फास्ट हो गए परमानंद ठीक है चलो स्लो हो जाता हूँ परमानंद

एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो क्वालिटी इक्वेशन आई थिंक यहाँ पे भी क्वेश्चन ये गलत दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज क्वालिटी इक्वेशन ओके। इफ एफ ऑफ एक्स इज अ क्वारिटी इक्वेशन इट शुड बी ठीक है इफ एफ ऑफ एक्स इज अ अटिटी फंक्शन with f of pi equals to f of minus pi equals to zero equals to zero and 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 f of pi by two equals to minus three by four pi square by four pi square then then limit 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 x tends to ये क्वेश्चन गलत आया है आपका x tends to -π था ये ठीक है एक्चुअल में x tends to -π था f(x/ sin of sin x है ना तो क्वेश्चन मिसप्रिंट था क्वेश्चन मिसप्रिंट था ठीक है तो मैं पीडीएफ को करेक्ट करके एक बार फिर से अपलोड करवा दूंगा क्वेश्चन में कुछ-कुछ मिसप्रिंट -कुछ है सर ऑनलाइन में ज्यादा क्लियर हो रहा है इन कंपैरिजन टू तो ऑफलाइन ट्यूशन थैंक यू सो मच अक्षय मिश्रा सर थोड़ा फास्ट कराओ प्लीज प्रत्यक्ष तापढ़िया फास्ट प्लीज आप रे कितना फास्ट करा अभी क्वेश्चन फास्ट करा देंगे तो फिर बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा फिर और एक परेशानी हो जाएगी ठीक है इच क्वेश्चन इज स्पेसिफिक मैंने बोला ना हर एक क्वेश्चन अपने अपने टाइप को कवर करा है सो दैट एक्सट्रीम केस में भी आप क्वेश्चन बनाओगे मैंने बोला ना और सिलेबस की टेंशन मत लो सिलेबस मच बिफोर टाइम कंप्लीट होगा और आपका इतना अच्छा कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि आप सोचोगे मतलब यार इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया मतलब उसके लिए सीखना पड़ता है रट के इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा चीजों को ना उसके लिए सीखना पड़ता है ठीक है <coughs> सर इन्वर्स टिक्यूनिटी फंक्शन है मैन्यपुलेशन का थोड़ा जिज बता देना अभिषेक सिंह ठीक है आपका भी डिमांड फुलफिल हो जाएगा सर वीडियो बैक का ऑप्शन डालो हे hey, भगवान मतलब क्या बताओ मैं मैं यहाँ पे आपसे डाउट पूछता हूँ कोई कहता है कि सर मेरा कमेंट नहीं हो रहा है सर कोई मेरा क्वालिटी ठीक नहीं हो रहा है सर आगे पीछे नहीं हो रहा है सर क्वालिटी का इशू है ओके okay, सर कॉल करेंगे आरिफ खान बिल्कुल आप कॉल करना क्वेश्चन लेवल ठीक है आप कॉल करना आरिफ आपका क्या डाउट है आपका सारा डाउट क्लियर कर करूंगा मैं हमेशा बोलता हूँ ना रात को तीन बजे फोन करोगे तो भी मैं उठाऊंगा और जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी बात कर चुके हैं वो जानते हैं वो जब भी फोन करते हैं मैं फोन उठाता हूँ है ना द स्पीड ऑफ ये देखो द स्पीड ऑफ टीचिंग इज परफेक्ट फिर किसी का मैसेज आता है कि स्पीड इज फास्ट फिर किसी का मैसेज आता है स्पीड इज स्लो पेशेंस रखो ना हो जाएगा परेशान क्यों हो रहे हो इतना ज्यादा ठीक है अब देखो ये क्वेश्चन क्या दिया गया है सोल्यूशन इस क्वेश्चन ने फंडा क्या था देखो इस क्वेश्चन ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है है ना मैं कोई भी क्वेश्चन आपको लेंदी नहीं दिया हाँ तीन चार क्वेश्चन है जो कंसेप्चुअल अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन है वो आपको अभी सॉल्व नहीं करना है वो आपको मैं तब सॉल्व करने के लिए बोलूंगा जब आप फंक्शन का एक्सपांस सीख जाओगे अप्रोक्सिमेशन करना सीख जाओगे फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर एक क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव नंबर वो क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बना होगा बट वो आपको पता है वो भी थ्री लाइनर क्वेश्चन है ट्वेंटी फाइव नंबर पे क्वेश्चन है आपको रूट रूट में दिख रहा है 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 ना दिया दिया हुआ फोर दिया हुआ वो भी थ्री लाइनर क्वेश्चन बट उसके लिए आप अभी सबर करो आप बहुत चीजों को सीखोगे द जर्नी उसके बाद सॉल्व करना है है ठीक चलो अब मैं क्या बोल रहा हूँ देखो सर इनको पढ़ने से ज्यादा प्रॉब्लम है आप चलते रहो बिल्कुल बिल्कुल मैं अपने स्पीड से पढ़ा रहा हूँ आराम से आपको सीखना है ना चीजों को तो बस फेथ रखो बिलीव रखो जिसको बहुत ज्यादा आता है आप थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो जिसको बहुत आता है उसको क्या टेंशन है ना फिर आपका तो एग्जाम क्लियर होना ही है ना फिर बहुत आता है तो

एफ ऑफ पाई इक्वल टू इक्वल्स टू कितना पाई स्क्वायर प्लस बी पाई प्लस सी यही आएगा अगर मैं बोलू एफ ऑफ माइनस पाई दैट इज इक्वल्स टू जीरो क्यों लिख रहा हूं जीरो बिकॉज देखो यहां पे एफ ऑफ माइनस पाई भी जीरो दिया गया है तो ये मैं क्या लिख सकता हूं ए पाई माइनस बी पाई क्यों माइनस पाई स्क्वायर कितना पाई ही हो जाएगा यहां पे माइनस पाई है तो यहां पे माइनस बी पाई हो जाएगा और ये प्लस सी रहेगा ठीक है और क्या दिया गया है आपको एफ ऑफ पाई बाय टू दू माइनस थ्री बाय फोर पाई स्क्वायर दट इज इक्वल टू हाउ मच ए इन पाई स्क्वायर बाय फोर प्लस बी पाई बाय टू प्लस सी तीन इक्वेशन आपको मिल गए देखो यहाँ पे तीन इक्वेशन मिल गए यहाँ पे क्लियर तीन इक्वेशन मिल गए इतना नहीं करना पड़ता है एक्चुअली पता है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो बहुत ज्यादा यूज होता है लिमिट में ऐसे फंक्शन को जब दिया जाता है ऑफ ऑफ पाई पाई माइनस समथिंग दिया जाता है तो हम लोग लिखते हैं ऑफ ऑफ इक्वल्स इक्वल्स टू टू स्क्वायर स्क्वायर माइनस पाई लेकिन मैं क्या बोला आपको याद नहीं करना है? ये इस स्टेज पे आप तब पहुंचोगे ना जब आपने बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन कर लिए तब आप देख के ना फटाफट ऐसी चीजों को गैस कर सकते हो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किया बट सवाल ये है कि अगर किसी ने इतना प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या कर नहीं सकता

तो क्या करोगे देखो इसमें <क्छाँड़ी> <tid them> तीन इक्वेशन आपको तो मिल गए ना ये तीन इक्वेशन मिल गए देखो ये तीन इक्वेशन मिल गए अगर ये तीन इक्वेशन मिल गए तो इसको कैसे सॉल्व करना देखो अगर आप इससे इसको माइनस कर दोगे तो इस इसको इससे माइनस कर दो तो, तो क्या मिलेगा आपको देखो है ना इसको मैं क्या बोलता हूं वन इसको मैं बोलता हूं टू इसको मैं बोलता हूं थ्री इतना टाइम नहीं लगता है सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए क्योंकि बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाएंगे है ना तो बस आपके लिए करा रहा हूं और कोई इसमें रीजन नहीं है ठीक है अब देखो वन माइनस टू अगर मैं क्या हो जाएगा देखो टू बी पाई टू जीरो आ गया बी का वैल्यू जीरो हो गया ठीक है अगर मैं बोलूं बी का वेल्यू जीरो स्क्वेर प्लस सी इक्वल टू जीरो और ये क्या हो जाएगा ए पाई स्क्वायर बाय फोर प्लस सी दट इज इक्वल टू जीरो इज हाउ मच दिस ना सॉरी दिस इज नॉट जीरो दिस इज ये जीरो नहीं है ये कितना है इसका वैल्यू माइनस थ्री बाय फोर पाई स्क्वायर माइनस थ्री बाय फोर पाई स्क्वायर तो यहां से आपका ए आ जाएगा ना ए ए कितना आएगा देखो ए कैलकुलेट करो कितना आएगा ए कितना आ जाएगा देखो <coughs> यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे आपको पता है क्या मिलेगा ए का वैल्यू देख लो ना दिस माइनस दिस करो दिस माइनस दिस तो क्या हो जाएगा ए दिस माइनस दिस पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाय फोर इक्वी बाई फोर पाई स्क्वायर फोर ए टू कितना आ जाएगा देखो ना वन आ जाएगा अगर ए का वैल्यू वन आ गया तो सी का वैल्यू कितना आएगा माइनस पाई स्क्वायर बस मैं आपके लिए क्या हूँ इतना कैलकुलेशन मुझे इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता मुझे तो यही से आंसर दिख रहा है है ना यहाँ से आंसर आप कैलकुलेट कर सकते हो इतना फास्ट है ना ये तो मैं बस आपको समझाने के लिए कर दिया यहाँ पे दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना देखो, A का है देखो ए का वैल्यू वन है सी का वैल्यू माइनस पाई स्क्वायर और बी का वैल्यू कितना आया था जीरो आया था दैट मीन्स हमारा जो एफ ऑफ एक्स है वो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बताया ना मैंने एक्सक्वायर माइनस पाई स्क्वायर आएगा क्लियर एकदम क्लियर आपको हमेशा इसी वे में कैलकुलेट करना है कोई शॉर्टकट नथिंग इसी वे में कैलकुलेट करना है ठीक है अगर एफ ऑफ एक्स मेरे को मिल गया तो मुझे निकालना क्या था देखो ना लिमिट एक्सटेंस टू माइनस पाई लिमिट एक्सटेंस टू माइनस पाई अब देखो एक नया टाइप का चीज मिला है यूजली क्या देखते हो लिमिट एक्सटेंस टू इनफाइनाइट लिमिट एक्सटेंस टू जीरो लिमिट एक्सटेंस टू टू लिमिट एक्सटेंस टू फोर ऐसा देखते हो बट यहाँ पे माइनस पाई एक नया चीज मिला फिर से सो दैट एग्जाम में आप ऐसा कुछ देख लो तो कहीं आपको ऐसा ना लगे लगेगा ये पाई यहाँ माइनस होगा क्या है ना ये माइनस पाई है तो माइनस पाई रहने दो इसको ठीक है एफ ऑफ एक्स बाय साइन ऑफ एक्स ठीक है एफ ऑफ एक्स बायोग हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पाई एफ ऑफ एक्स का वैल्यू कितना आया था एक्स स्क्सर बाय साइन ऑफ साइन एक्स दैट मीन्स आपका पजल यही था कि इसको निकालना था इसको निकालने के लिए एक स्टेप काफी था इतना लिखना ही नहीं है एक स्टेप काफी था क्वेश्चन छोटा ही था अल्टीमेटली अगर मैं इसकी बात करूं इसकी बात करूं अगर मैं ठीक है अब कैसे निकालोगे देखो माइनस पाई अगर टेन कर रहा है तो है ना माइनस पाई का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर जीरो साइन ऑफ पाई का वैल्यू है, जीरो है का वैल्यू भी जीरो ही आएगा और यहां पे साइन ऑफ जीरो जीरो ही आएगा तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में है अगर जीरो बाई जीरो फॉर्म में है तो आप क्या अप्लाई करोगे एल हॉस्पिटल अप्लाई करोगे सो लिमिट एक्स टेंस टू माइनस पाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा टू एक्स माइनस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो अब इसका डेरिवेटिव कैसे करते हो आप चेन रूल यूज करोगे सॉरी क्या बोलते हैं इसको सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आप यूज करोगे कैसे करोगे देखो साइन ऑफ साइन एक्स है ना इस अभी आपको इतना प्रेशर नहीं लेना जिसको डेरिवेटिव नहीं आता है प्रेशर नहीं लेना जब मैं डेरिवेटिव पढ़ाऊंगा ना उसके बाद जब आपने कॉपी को रिवाइज करोगे ना आप बोलोगे अरे सर ये मैं आपसे पूछा सर मतलब शर्म आ रहा है मुझे आप खुद ऐसा बोलोगे बिकॉज जिस, जिसको आता है उनको पता है दिस इज वेरी सिंपल थिंग बट जिसको डेरिवेटिव नहीं आता है. मेरे को पता है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको डेरिवेटिव नहीं आता अभी भी आप बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूं है ना साइन ऑफ साइन एक्स मतलब क्या लिखोगे आप कॉस एक्स कॉस ऑफ साइन है ना? अब देखो लिमिट एक्सटेंस टू माइनस मतलब यहां पे क्या हो जाएगा आपका माइनस टू पाई हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा देखो यहां पे अगर आप माइनस पाइव पुट करोगे है ना ऑफ ऑफ ये थोड़ा तो सा गंदा हो गया इसको मैं थोड़ा तो सा ठीक कर लेता हूँ माइनस पाई है ना एक ये देखो इसको यहाँ पे मिटा के अच्छे से लिख देता हूँ डिजिटल बोर्ड है नाटक बहुत करता है ठीक है कॉस ऑफ माइनस पाई दैट इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ पाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस वन इसका वैल्यू कितना हो गया माइनस वन और कॉस ऑफ साइन ऑफ माइनस पाई साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है साइन पाई का वैल्यू जीरो होता है साइन माइनस फाई भी जीरो ही होगा तो ये कॉस ऑफ जीरो कितना होता है वन होता है कॉस ऑफ जीरो कितना होता है वन होता है तो इसका वैल्यू कितना आया वन इसका वैल्यू कितना आया आपका माइनस वन सो अल्टीमेटली आंसर कितना आया आपका टू फाइव तो जो सॉल्यूशन था ना उसका ये यही था सॉल्यूशन ऊपर जो हमने इतना किया ना उसका वो आप बहुत फास्ट कर सकते हो बस यही था सॉल्यूशन कितना सिंपल है देखो यहाँ पे किसी को डाउट आया यहाँ पे उन बच्चों को डाउट आ सकता है जिनको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा दिक्कत है जिनको डेरिवेटिव में थोड़ा सा, सा दिक्कत है तो मैं क्या बताया एक दिन में मैथ्स कोई नहीं सीखता जो मैं अभी बोला आप बस वो कॉपी में लिखो ना जिस दिन डेरिवेटिव सीख जाओगे ना उस दिन जब आपने कॉपी के पन्ने को पलटोगे ना फिर आप खुद बोलोगे अरे मतलब ये मैं कैसे पूछ लिया था डाउट मतलब ये तो कोई बच्चा भी डाउट नहीं पूछेगा ऐसा स्टेज भी आएगा अभी आप पेशेंस के साथ बस उसको लिखना है ठीक है है ठीक क्लियर आता सब लेकिन अब सब भूल बैठे हैं सर विश्वजीत कोई दिक्कत नहीं है क्लियर समझ में आ गया ना तो ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था ये एक नया टाइप का क्वेश्चन था ठीक है ये क्वेश्चन में ऐसे कुछ बताने के लिए ले रहा हूं आपको ठीक है लिमिट एक्स टेंस टू फाइव बाई टू है ना फाइव बाई टू माइनस एक्स ठीक है अब ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं देखो हाँ अब एक्चुअल में क्या होता है मतलब डे टू डे लाइफ में डेली मेरे लाइफ में क्या होता है ठीक है अब ये क्वेश्चन मेरे को किसी स्टूडेंट ने सॉल्व किया और क्या भेजा मैं बता रहा हूँ बस देखते रहो ठीक है सर लिमिट एक्स एक्सटेंस टू पाई बाई टू ये एक फंक्शन है ये एक फंक्शन है यहाँ पे मैंने पाई बाई टू पुट किया तो सर यहाँ पे कितना आ गया जीरो आ गया और सर यहाँ पे कितना आया टेन एक्स मतलब टेन पाई बाई टू इज इनफाइनाइट इनफाइनाइट आ गया तो उसने सीधा लिख दिया आंसर को जीरो लिख दिया मतलब इस तरीके से समझ रहे हो तो गड़बड़ हो गया है ना ये तो गड़बड़ हो गया क्योंकि मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अगर जीरो इंटू इन्फाइनाइट है वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है उसको कैसे डील करना है आपको या तो आप उसको जीरो बाई जीरो फॉर्म में लेके जाओ या तो आप उसको इंफाइनाइट बाई इन्फाइनाइट फॉर्म में लेकर जाओ तो कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को है ना कैसे सॉल्व करोगे ऐसे क्वेश्चन को देखो अगर आप देखोगे ना तो ये क्या है आपका जीरो इंटू इन्फाइनाइट फॉर्म में है तो मैंने इसके लिए आपको बताया था कि अगर ऐसा फॉर्म आपको दिखे तो उसको कैसे डील करना पड़ता है या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में लेकर जाओ या तो किस में लेकर जाओ इन्फाइन बाई इनफाइन फॉर्म लेकर जाओ तो मैं क्या करता हूं देखो इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेन्स टू फाइव बाई टू फाइव बाई टू माइनस एक्स है ना टेन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं कॉटेक्स कॉटेक्स है ना टेन एक्स कितना हो जाएगा वन बाय कॉटेक्स हो जाएगा ठीक है

Cortex का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक् स्क्वास है ना अब लिमिट अप्लाई करो यहाँ पे कॉसेकू का वैल्यू कितना वन आ जाएगा माइनस वन बाई माइनस वन दैट इज इक्वल्स टू वन समझ में आया चलिए ठीक है क्वेश्चन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इससे आप भी कुछ नया चीज सीखोगे है ना इससे भी आप कुछ नया चीज सीखोगे लिमिट एक्सटेंस टू वन एक्स टू द पावर ए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कराना जरूरी है ठीक है माइनस ए एक्स ठीक है तो हम लोग आज कंटिन्यूटी स्टार्ट कर देंगे डोंट वरी है ना क्लास को थोड़ा जल्दी भी आज खत्म करूंगा कल लेकिन सब लोग रेडी है ना क्लास कल का क्लास लंबा होगा फिर ठीक है कल का क्लास फिर लंबा होने वाला है कल का क्लास लंबा होने वाला है खा पी क्या ना एकदम बता दे रहा हूँ ठीक है और किसी का अगर कुछ भी जैसे कि कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाया हूँ किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो तुरंत आप मेरे को कॉल करके पूछ सकते हो मैसेज करके पूछ सकते हो ठीक है द वैल्यू ऑफ और अगर नहीं पूछोगे तो आप उसके आप उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जाता है ना अगर नहीं पूछोगे तो ठीक है प्रियंका ए टैंक सर ये तो हो गया दैट्स रियली नाइस प्रियंका है ना रियली नाइस चलो बट प्रियंका बहुत लोगों का नहीं हुआ तो ये भी देखना पड़ेगा ना बहुत लोगों का नहीं हुआ ये बन गया था क्या सबका बन गया था क्या ये अगर मेरे को लाइन से दिख जाएगा यस 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 एस तो मैं नहीं कराऊंगा अदरवाइज मैं कराऊंगा ठीक है फटाफट एक बार बता दो फटाफट एक बार बता दो फटाफट एक बार बता दो विश्वराज बन गया प्रियंका टैंक ओके अच्छा क्वेश्चन था ये सर इसका आंसर फाइव जो फाइव आ रहा है ये बन गया सर ओके शिवम मिश्रा बाइनोमियल एक्सपांशन से की हो प्रिया प्रिया का नहीं बना है ओके बाइनोमियल एक्सपांशन से किया हो आप लोग नो नो यस नो नो यस नो 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 अच्छा काफी लोग नो नो बोल रहे हैं ठीक है जो लोग नो नो बोल रहे हैं वो भी थोड़ा सा देख लो ठीक है वही फटाफट देख लो मैं फटाफट इसको बता दे रहा हूं है ना क्या पता आप लोग कुछ अच्छा नया सीख लो देखो यहाँ पे क्या करना है लिमिट एक्स एक्सटेंस टू ए एक्स टू दी पावर ए माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस वन बाई ए द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ वन जीरो वन इज क्लियर है कि नहीं तो इसको अगर आप देखोगे ना अगर यहाँ पे वन पुट कर दोगे दोन टू दावर ए माइनस एक्स माइनस ए प्लस ए माइनस वन तो ए ए कैंसिल हो जाता है वन टू दावर ए माइनस वन कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है आपको कुछ इंफॉर्मेशन क्लियर ही नहीं हो रहा पता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में जब जो वेरिएबल है जो लिमिट टेंस करा रहा है ना उसके ऊपर मेरा कोई पावर है तो ऐसे केस में आप क्या करते हो बाइनोमियल एक्सपांशन का हेल्प लेते हो बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा मिसलेनियस टॉपिक में रखा हूँ बाइनोमियल थ्योरम मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे यूज करते हैं देख लो कुछ नया सीखोगे ठीक है इसको मैं लिखूंगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच टू दावर ए माइनस ए वन प्लस एच प्लस ए माइनस वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एच माइनस वन होल स्क्वायर ठीक है क्लियर <coughs> अगर लिमिट एक्सटेंस टू वन दिस इक्वल्स टू ऑफ को एक वैल्यू आ रहा है कुछ एक अगर वैल्यू आ रहा है है ना अगर कुछ एक वैल्यू आ रहा है तो एच टेंस टू मैंने जीरो कर दिया ये कर दिया ऐसे कर दिया मैंने कोई ये भी पूछ सकता था मेरे से कि सर लिमिट एक्सटेंस टू वन है तो आपने सर वन प्लस कंसिडर किया तभी तो सर आपने वन प्लस एच लिखा सिर्फ वन माइनस क्यों नहीं कंसिडर किया

को जब हम लोग बाइनोमियल एक्सपांसन करते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं इसको ऐसे हम लोग एक्सपांड करते हैं बाइनोमियल एक्सपांशन है ना बाइनोमियल क्यों बोलते हैं इसको बिकॉज दे आर टू टर्म्स ना इंडिविजुअली है उसको हम लोगों ने बाइनोमियल बोला टू दी पावर एन किया दीज आर नेचुरल नंबर है ना? Sorry, नेचुरल नंबर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ठीक है उसी तरीके से अगर, आप देखोगे, उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो मैं इधर लिखता हूं आप एक्सपांड करोगे पावर ए को अगर आप एक्सपांड करोगे, करोगे तो क्या लिखोगे देखो ए सी जीरो पावर ए माइनस जीरो और क्या लिखोगे H to the power 0 plus AC1 1 to the power A minus 1 H to the power 1 plus AC2 1 to the power A minus 2 H to the power 2 plus dot 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 dot.

r फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल है ना इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना ये कॉम्बिनेशन में किसी को डाउट तो नहीं है दिस इज हाउ वी राइट इट इज ncr का मतलब होता है n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल n minus r फैक्टोरियल यहाँ पे किसी का डाउट नहीं है ना यहाँ पे तो किसी का डाउट नहीं है वीडियो बैक नहीं कर पाओगे लाइव क्लास में अमोल वीडियो बैक नहीं कर पाओगे लाइव क्लास में अब इसके बाद हम लोग तो कंटिन्यूटी पे जंप करने वाले हैं अभी ठीक है ठीक है अब देखो मैं इसको बायनोमल से करा रहा हूं सो आपको कुछ नया सीखने को मिले कुछ नया सीखने को मिले ठीक है नई चीजों को सीखते रहना चाहिए तब आपका माइंड मल्टी डायमेंशन में काम करता है अगर मैं ए सी वन की बात करूं तो ए सी वन कितना हो जाएगा देखो अगर मैं ए सी वन की बात करूं ए सी वन तो कितना हो जाएगा ए फैक्टोरियल बाय वन फैक्टोरियल इन टू ए माइनस वन फैक्टोरियल ए फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखते हैं पता है ए के घटते जाता है मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ ए इंटू ए माइनस वन फैक्टोरियल इसलिए बता रहा हूं बिकॉज हो सकता है कुछ लोगों को ना पता फैक्टोरियल इज फैक्टोरियल इज वन है A A कितना आ जाएगा ए वन टू दाइनस वन दैटर वन इज एच प्लस ए सी टू अगर इसको आप ब्रेक करोगे ना ए सी टू यूल गेट ए इन ए माइनस वन बाय टू 2 इंटू वन इंटू एंड लाइक हो क्लियर ए स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र है ना तो जब मैं बाइनोमियल थ्योरम बताऊंगा तो आपको बताऊंगा मैं इसके बारे में बताऊंगा पास्कल ट्राइंगल के बारे में बताऊंगा थोड़ा थोड़ा बेसिक्स हम लोग बात करेंगे उसके बारे में ठीक है तो अब अगर मैं इसको लिखू अब अगर मैं इसको लिखू लिमिट एच टेंस टू जीरो वन प्लस एच एक एक्सपांड किया तो क्या मिला वन प्लस ए एच प्लस ए इंटू ए माइनस वन बाय टू फैक्टेरियल का वेल्यू कितना होगा टू इन वन दैट इन्स टू एच स्क्वायर प्लस चलता जाएगा ठीक है प्लस ए चलता जाएगा है ना ये मैं क्या लिखूंगा माइनस ए एच है ना ये रहा माइनस ए एच सॉरी माइनस ए माइनस ए माइनस एच है ना माइनस एच होगा प्लस ए होगा माइनस वन होगा क्लियर अब एक चीज देख सकते हो ये माइनस ए और ये प्लस ए कैंसिल होगा ये माइनस ए एच और ये प्लस ए एच कैंसिल होगा और आपका क्या बचा ये वन और ये वन कैंसिल हो रहा है और नीचे में क्या है आपका देखो नीचे में क्या होगा आपका ये वन ये वन कैंसिल तो एच है ना तो मुझे मिला क्या फाइनली लिमिट एच टेंस टू तो जीरो प्लस समथिंग आएगा क्या आएगा मुझे मालूम है ए इंटू ए माइनस वन ए माइनस टू बाई थ्री फैक्टेरियल इंटू एच क्यूब आएगा बट मैं नहीं लिख रहा हूँ है ना एच क्यूब आएगा एच फोर आएगा प्लस डॉट 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 चलता जाएगा ये है ना ये सीरीज आएगा थोड़ा सा सोचो ना थोड़ा सा आप भी दिमाग लगाओ ना यहाँ पे क्या आएगा आगे क्या आएगा ठीक है अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो है जैसे ही न्यूमिनेटर का पावर ज्यादा हो जाएगा सब तो जीरो हो जाएगा ना क्योंकि एच क्यूब को एच स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एच बचेगा और लिमिट एच टेंस टू जीरो मतलब जीरो हो जाएगा तो बस ये वाला टर्म आपका फाइनली बच के आएगा ये वाला टर्म है ना लिमिट एच टेंस टू जीरो ये वाला टर्म बचेगा कितना आएगा ए इंटू ए माइनस और यही क्या है आपका एफ यही क्या है आपका एफ है समझ में आया क्लियर सबको क्लियर ना यस सर आप लोग हार्ट वर्ट क्यों बना रहे हो क्या मजा आ गया अच्छा अच्छा ओके पंकज सर ने मैसेज किया था ना ओके ठीक है <laughs> क्लियर <laughs> क्लियर क्लियर <laughs> <laughs> आप लोग एल हॉस्पिटल से भी एक्सपांड करके ट्राई कर सकते हो मैंने ये इसीलिए बताया बिकॉज आपको बायनोमियल एक्सपेंशन सीखने को मिला यहां पे मैंने इस मेथड को इसीलिए आपको बताया सो so दैट आपको बायनोमियल एक्सपांशन सीखने को मिला एक नया चीज सीखे ये वाला चीज ये वाला चीज और ऐसे एक्सपांशन आपको बहुत जगह पे हेल्प करेंगे एक नया चीज सीखे देखो लिमिट में ही हम लोग बहुत कुछ सीखे ट्रिग्नोमेट्री की चीजों को देख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक देख लिया सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाय प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स सी बाय तो ऐसे ही कर करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता है ना ऐसा थोड़ी है कि लिमिट पढ़ रहे हैं तो सिर्फ लिमिट ही पढ़ेंगे हम लोग सब कुछ को मिक्स करके सीखो तब मजा आएगा ना कैंसिल कैसे हुआ एच कैंसिल so नहीं हुआ मैं क्या बोला देखो कैंसिल नहीं हुआ ये सारे तो कैंसिल हो गए आपको पता चल गया अब ये एच स्क्वायर है ना पहले क्या आया था एच आया था फिर एच स्क्र आया था फिर यहां पे एच क्यूब आएगा फिर एच यू दी पावर फोर आएगा ऐसे आते रहेगा कुछ ना कुछ आते रहेगा है ना मैं ये बोल रहा हूँ कि देखो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये मेरे को बच जाएगा ना ये बच जाएगा और ये क्या है कॉन्स्टेंट वैल्यू है ना ये क्या है एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसका लिमिट से तो कोई मतलब ही नहीं है तो मैंने इसको रख दिया इसके आगे अगर आप जाओगे तो एच क्यूब बाय स्क्त करोगे तो एक एच बच जाएगा यहां पे अगर एक एच बच गया तो आप लिमिट जब अप्लाई करोगे लिमिट टू जीरो ना तो उसको लिखने का क्या मतलब है मतलब ये अल्टीमेटली ये आएगा प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस डॉट 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 जीरो आएगा उसको लिखने का क्या मतलब है इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिख दिया सो ऑफ वन करोगे तो क्या आएगा वन जीरो

एक किसी ने क्वेश्चन ट्वेंटी बोला था मैं बता देना सॉल्व नहीं करूंगा बता बता दे रहा हूं बस ठीक है फटाफट बता दे रहा हूं देख लो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो फिर बोलोगे कि सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा है अब मैं फास्ट कराऊंगा ठीक है कॉस ऑफ ए एक्स टू दी पावर क्या है कॉस एक्स स्क्वायर बी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर बी है ना कॉस एक्स स्क्वायर बी

Cos one, मैं ऐसे लिख दिया क्यों लिखा आपको समझ में आएगा क्योंकि देखो कॉस एक्स स्क्स को नीचे लिखूंगा तो क्या आ जाएगा साइन स्क्र बी एक्स आ गया आपका आ गया यहाँ पे मैंने वन प्लस मल्टीप्लाई किया यहाँ पे भी मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ वन प्लस अभी आपको समझ में आएगा मैंने क्यों किया देखो e टू द पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस वन माइनस वन कॉस एक्स प्लस वन क्या होता है ये a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या लिखोगे कॉसर ए एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय क्या है साइन स्क्वायर बी एक्स और नीचे क्या हो जाएगा वन प्लस कॉस ए एक्स क्लियर यहाँ पे क्या देखो e टू दावर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर एक्स तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ माइनस लिख देता हूँ एक बाहर लिमिट एक्सटेंस टू जीरो स्क्र एक्स बायस स्क्वायर बी एक्स इंटू वन बाई वन प्लस देखो ना कितना टाइम लगता है एक मिनट में सॉल्व कर सकते हो वो यहां पे भी मैंने आपको दिखाने के लिए इसको एक्सप्लेन किया पे अब क्यों किया मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा ये वन टू द पावर इनफाइनाइट फॉर्म था पहला स्टेप तो आप ये हमेशा करोगे जब आपने ऐसा कर दिया लिमिट एक्सटेंस जीरो इनफाइनाइट है ये क्या है infinite है इनफाइनाइट और ये क्या है जीरो है, है? है किस फॉर्म में आया ये इनफाइनाइट टू जीरो फॉर्म में आया इनफाइनाइट इंटू जीरो फॉर्म में आया तो सर ने क्या बताया था उसको या तो जीरो बाई जीरो फॉर्म में लेके जाओ या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म में लेके जाओ इसीलिए मैंने यहां पे ये टेक्निक अप्लाई किया आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना सर आपको कैसे पता चला सर ये करना है इसीलिए मैं इसको डिनोमेटर में लेकर गया ना क्योंकि जब मैं इसको डिनोमेटर में लेकर गया तो क्या था देखो ये जीरो बाई जीरो फॉर्म था अब मेरे को जीरो बाई जीरो फॉर्म के साथ में डील करना था, तो मैंने क्या कर दिया वन प्लस कॉस एक से मल्टीप्लाई किया वन प्लस कॉस एक से मल्टीप्लाई किया इसको सिंप्लीफाई किया और मुझे कुछ ऐसा मिल गया मुझे कुछ ऐसा मिल गया अब ये क्या लिख सकता हूं मैं देखो

सब जो पढ़ा है वही उसी की बात कर रहा हूं साइन स्क्वास स्क्स डिड बाई सा वैल्यू कितना होगा बताओ इसका वैल्यू कितना होगा एल हॉस्पिटल ही अप्लाई करना है एल हॉस्पिटल या तो आप यहीं पे डेरिवेटिव निकाल सकते हो या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन ए एक्स बाय साइन बी एक्स इन आप, आप इसी को लिख के स्कॉर कर सकते हो है ना? जैसे भी करोगे एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो एल हॉस्पिटल अप्लाई कर दो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमेशा याद रखो साइन स्क्वायर ए एक्स बाय स्क्स है ना तो यू सिंपली राइट ए स्क्र बाई बी राइट ए स्क्वायर बाय बी स्क्त होता तो यह क्यूब बाय बी क्यूब स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है और कैसे होता है नहीं कराऊंगा मैं क्योंकि दस बार करा चुका हूं। इसमें अगर आप एल हॉस्पिटल नहीं लगा पा रहे हो मैं क्या बोलू बोलो अगर मैं बोलू आपसे लेफ्ट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट है ना एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए इज वेल डिफाइंड well ठीक है एक्चुअल में क्या है आपको पता है अगर एफ ओफे नॉट वेल डिफाइंड है ना तो लिमिट मतलब से नहीं है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्ट करे ना करे अगर मैं यहां पे बोल देता हूं ना कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट डिस्ट तो भी डिस्कंटिन्यूस होगा अगर ये एक्जिस्ट करेगा अगर वो वेल well डिफाइंड नहीं होगा तो भी डिसकंटिन्यूस होगा अगर वो वेल well डिफाइंड नहीं हुआ सिर्फ तो भी डिसकंटिन्यूस होगा कंटिन्यूस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू पर्टिक्यूर फंक्शन पॉइंट होगा राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट बट एफ ऑफ ए इज नॉट वेल डिफाइंड अगर मैं इसका बात करूँ तो यह भी क्या होता है आपका रिमोवेबल डिसकंटिन्यूट होता है कैसे होता है देखो अगर मैं बोलू एक्स इक्वल टू एक्स स्क् माइनस वन स्क्वाय एक्स माइनस वन है ना तो अगर मैं एट द पॉइंट है ना मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है one, one, one. है ना लिमिट एक्सटेंस टू वन अगर मैं बोलू लिमिट एक्सटेंस टू मैं अगर one बोलू? तो वन पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है एक्जैक्टली exactly वन पे फंक्शन डिफाइन नहीं है लेकिन लिमिट एक्सटेंस टू वन अगर मैं बोलू तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा देखो एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस वन ये क्या है ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी क्लियर क्या होता है ए माइनस बी ए प्लस बी अगर मैं ऐसा लिख देता हूं डिवाइडेड बाय क्या लिख दिया मैं एक्स माइनस ए ऐसा लिख दिया अगर है ना ऐसा अगर लिख दिया एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कैंसिल हो जाएगा अगर मैं लिमिट अप्लाई करूंगा तो आई विल गेट द वैल्यू एज टू लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है वो ये बोल दिया ना एल एच एल एंड आर एच एल एक्जिस्ट आपको टू वैल्यू मिलेगा है ना आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो राइट हैंड लिमिट निकालो यू विल गेट द आंसर टू पक्का बट ये फंक्शन वेल डिफाइंड नहीं है वन पे क्योंकि आप वन पे देखो ना क्या आ रही है जीरो बाई होना चाहिए आप कंटिन्यूटी चेक करते हो सॉरी कंटिन्यूटी जब आप पढ़ते हो तो उस पॉइंट पे भी इंटरेस्ट होता है आपका बट लिमिट पढ़ते हो तो उस पॉइंट के नेबरहुड में इंटरेस्ट होता है आपका ठीक है अगर मैं इसकी बात करूं एक्सक्वायर माइनस वन स्क्वायर में वन की तो उसका ग्राफ कैसा होगा देखो है ना अगर मैं बोलू इसका ग्राफ कैसा होगा देखो एक्स इक्वीरो माइनस वन पे जीरो दिस विल गेट बट ये क्या है आपका एक्स इक्व टू वन पे डिफाइन नहीं होगा एक्स इक्वन पे है ना एक्स इक्वन पे डिफाइन नहीं होगा And get something like this. है ना कुछ ऐसा मिलेगा आपको देखो

बट उसके अगर जस्ट पहले देखोगे तो ये वैल्यू टू आ रहा है जस्ट पहले और जस्ट बाद वैल्यू टू आ रहा है क्यों आपने लिमिट निकाला तो जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए क्यों बिकॉज ये आपका पॉइंट पॉइंट ऑफ ऑफ इंटरेस्ट इंटरेस्ट है के जस्ट पहले आएगा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जस्ट बाद आएगा क्यों सर ने बोला आप ग्राफ से भी देख सकते हो सर ने बोला आप निकाल के भी देख सकते हो तो देखो निकाला है ना टू आपने तो यहां पे मिल गया तो इसीलिए ना मैं बहुत ज्यादा फोकस किया डीपली आपको पता है ग्राफ से कैसे देखोगे आप निकाल के कैसे देखोगे आप मैंने बोला ना जिनको ना लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस वन प्लस करके फिर एच लेके वन माइनस एच वन प्लस एच करके करो आप करो ना यू विल गेट द सेम आंसर अब ये मत बोला कि सर आप ये भी करा दो सिखा तो दिया हूं ना सिखा तो दिया हूं करा भी दिया हूं इतने सारे चीजों को आप ट्राई तो करो यू विल गेट द सेम आंसर सो इतना क्लैरिटी आपका होना चाहिए कैलकुलस में मैथमेटिक्स में तब जाके मजा आता है ना आने वाले टाइम में देखोगे आप और भी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल चीजों को समझोगे और देखोगे तो देखो ये गया डिस्कटीन्यूटी इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग रिमूवेबल डिस्कॉन्टिन्यूटी क्यों अगर इसी फंक्शन को अगर मैं ऐसे रिडिफाइन कर, कर दू इस तरीके से तो देखो डिस्कॉन्टीन्यूटी रिमूव हो गया अब डिस्कॉन्टिव्यूटी रिमूव हो गया अब करके देखो ना आपको मिल जाएगा ना लेफ्ट हैंड लिमिट कितना मिलेगा आपको टू uh, Right कितना मिलेगा आपको टू एफ ऑफ कितना मिलेगा आपको टू तीनों yes. आपने वैल्यू को क्या कर दिया टू तो ऐसे, ऐसे, ऐसे नहीं करना स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ कर देना सो इल गेट आंसर इसीलिए इसको भी क्या बोलते हैं रिमूवेबल डिस्कंटिन्यूटी क्लियर हो गया वेल डिफाइंड वेल डिफाइंड मतलब इसका एक फाइनाइट वैल्यू पे एग्जिस्ट करना पड़ेगा ना कुछ तो उसका वैल्यू होगा क्योंकि जब तो आप इसका वन करोगे तो क्या हो जाएगा ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो दैट इज द इनडिटर्मिनेंट फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जिसके बारे में हम लोगों ने बहुत बात किया था लिमिट के चैप्टर में क्यों लिमिट के चैप्टर में हम लोग को इस वन पॉइंट पे इंटरेस्ट नहीं था कभी भी हम लोग को ना उस वन पॉइंट के जस्ट पहले था इसलिए मैंने बोला ना जो वन पॉइंट है ना उसको ना आप इमेजिन करो कितना जूम आप उसको इमेजिन कर सकते हो एक बार आईस को क्लोज करो उसको पूरा जूम करो एकदम जब आप उसको बहुत ज्यादा जूम करोगे ना तो आपको ऐसा लग गया ना एक ऐसा चीज है जिसके लेफ्ट में और राइट में आप एनालिसिस कर रहे थे लिमिट में

वो हमेशा रियल नंबर लाइन पे हर 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 एक्स के हर वैल्यू के लिए है ना? X के के लिए है ना के के एंटायर डोमेन लिए वो पूरा जितना वैल्यू एक्स ले सकता है सबके लिए यही फंक्शन डिफाइंड किया जिसके वजह से गड़बड़ क्या हो गया एक्सल टू वन पे फंक्शन नॉट वेल डिफाइंड कैसे वेल well डिफाइंड है जीरो बाई जीरो वेल डिफाइंड नहीं है इनडिटर्मिनट फॉर्म आ रहा है आपका बट आपने क्या क्या रिमूवेबल डिस्कटीनिटी होने के कारण आपने फंक्शन को ही बदल दिया जब फंक्शन को आपने बदल दिया तो x इक्व टू वन पे आपने क्या ले लिया टू दैट मीन यू मेड द फंक्शन वेल डिफाइंड एट द पॉइंट x क्लियर क्लियर <coughs> हो गया एकदम अच्छे से क्लियर हो गया वैल्यू तो तब भी निकाल सकते हैं टेक्निक लगा के कुलदीप सिंह राणा आप मेरे को इसका वैल्यू निकाल दो लिमिट एक्सटेंस टू वन पे X X पे नहीं क्स exactly वन पे अगर आप बोल रहे हो आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो कुलदीप राणा टेक्निक लगा के तो आप टेक्निक लगाओ और मुझे बताओ आप आप क्लास के बाद मैसेज करना कि सर वन पे ना इस फंक्शन का ये वैल्यू आ रहा है. पे नहीं, exactly पे. पे तो पता है जितने बच्चों को मैं पढ़ा है उनको भी पता है टू आएगा आप मुझे कुलदीप राणा एक्जैक्टली exactly वन पे इसका वैल्यू बता देना कितना होता है ठीक है कुलदीप सिंह राणा आप समझ नहीं रहे हो मैं आपको क्या बताया जीरो बाय जीरो फॉर्म को हम लोग हटा के निकालते हैं क्या निकालते हैं लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग वैल्यू एंड एग्जैक्ट वैल्यू एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट लिमिटिंग वैल्यू का फर्स्ट डे से पढ़ा रहा हूं आप लिमिट क्या समझे हो बताओ लिमिटिंग वैल्यू का मतलब होता है जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है उसके जस्ट पहले उसके जस्ट बाद और उसी पर्टिकुलर पॉइंट में जो होता है उसका एग्जैक्ट वैल्यू वो यहाँ पे वेल well डिफाइंड नहीं है समझ रहे हो इन्फिनिटी भी वेल डिफाइंड फॉर्म में आएगा क्या 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 हर चीज इन्फिनिटी को कैसे वेल डिफाइंड करोगे अगर वेल well डिफाइंड हो जाएगा दैट दटमीस आप ये बोल रहे हो कि अगर मैं कोई कर्व को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं मैं इसको कंटिन्यूस बोल सकता हूं है ना क्योंकि जीरो पे तो क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फाइनट है और राइट हैंड लिमिट भी आपका प्लस इन्फाइनट तो कैसे कंटिन्यूस होगा यहां तो आप ब्रेक हो जा रहा है ना ब्रेक हो जा रहा है कैसे कंटिन्यूस होगा वेल डिफाइंड मीस इट हैज टू ये फाइनाइट नंबर लेकिन जब आप लिमिट की बात कर रहे थे तो आप बोल रहे थे कि लिमिट क्या हो सकता है प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो सकता है समझ रहे हो क्लियर हुआ ना आप इन्फिनिटी में जाके इस कर्व को कंटिन्यूस बोल सकते हो क्या इन्फिनिटी में कंटिन्यूस होगा ऐसे कैसे बोल दोगे नहीं होगा ना वो तो रचित सर अगर मैनिपुलेट करके फंक्शन को एक्स प्लस वन कर दिया तो भी वो फिक्स वैल्यू नहीं देगा किसको आप एक्स प्लस वन कर दे रहे हो मैनिपुलेट करके रचित किसको चेंज कर दे रहे हो क्लियर हो गया एक बार सब लोग बता दो क्लियर हो गया फटाफट फटाफट बता दो सब लोग क्लियर हो गया क्या सब लोग बता दो बस क्लास ज्यादा नहीं करेंगे आज खत्म करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे क्वेश्चंस करेंगे डिफेंसिविटी भी बात करेंगे है ना मीन वैल्यू थ्योरम से बात करेंगे फिर डेरिवेटिव्स आएगा तो बहुत एंजॉय करेंगे है ना बीच बीच में एक एक, एक दो क्लास यूट्यूब पर भी जाएगा है ना बीच में एक दो क्लास यूट्यूब पे भी जाएगा तो हम लोग बहुत एंजॉय करेंगे ओवरऑल ठीक है सब समझ में आया क्लियर करो फटाफट बता दो <laughs> फटाफट <-फर> बता दो <laughs> फटाफट बता दो एक बार है ना so energy x, थोड़ा सा एनर्जी दिखा दो, दिखा दो थोड़ा सा दिखा दो हाउ टू मेक इट कंटिन्यूसर करने के लिए ज्योति मैंने क्या किया थोड़ा थोड़ा सा सा दिखा दिखा दो दो करने के लिए ज्योति मैंने फंक्शन को क्या किया पहले मेरा फंक्शन देखो क्या है बस ये था पहले मेरा फंक्शन है ना पहले जो मेरा फंक्शन था माइनस वन स्क्वायर बाई एक्स माइनस वन ये था मेरा पहले फंक्शन है ना सॉरी ये था पहले मेरा पहले पहले मेरा फंक्शन फर्स्ट टाइम है ना फर्स्ट जो क्या था वन पे वेल well डिफाइंड नहीं था इसको मैंने वेल well डिफाइंड कैसे बनाया वन पे ऐसे रीडिफाइन करके मैंने क्या बोल दिया ये एफ ओफ एक्स ये होता तो है लेकिन वन पे नहीं होता है वन पे इसका वैल्यू मैंने क्या कर दिया फिक्स कर दिया टू कर दिया मैथेमेटिक मेल्यूप्ले जब रियल लाइफ मैथमेटिक्स में उतरोगे ना तब आपको उसका महत्व उसका वैल्यू समझ में आएगा अभी तो आप क्वेश्चन में कर आपको लगता है ये क्या कर दिया अपने हिसाब से जब रियल लाइफ मैथमेटिक्स में जब इक्वेशंस के साथ डील करोगे फंक्शंस के साथ डील करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है कितना बड़ा रोल प्ले करता है डिफेंसिविटी कितना बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में बट आप तो बस आंसर निकालते हो अरे टू होगा वन होगा बस हो गया खत्म समझ रहे हो और डीप अंडरस्टैंडिंग अमरदीप सिंह राजावत अमरदीप सर फैक्टराइजेशन के बाद वैल्यू निकालेंगे तो टू आ जाएगा फैक्टराइजेशन करने के लिए आपने फंक्शन के साथ छेड़छाड़ किया आपने फंक्शन में क्या किया कैंसिलेशन कराया है पोल जीरो का समझ रहे हो आपने एफ ऑफिकल टू एक्स स्क्स वन स्क्र एक्स माइनस वन जो है ना आप एक बात सोचो ठीक है अमरदीप आप सुनो अच्छे से अमरदीप का बहुत डाउट आ रहा है आपने बेसिक चीजों पर कभी क्वेश्चन खुद से क्वेश्चन क्या करो अगर मैं बोल देता कि

सेम कैसे हुआ सेम तब हुआ बिकॉज आपको मैथमेटिक्स का अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो. हो, तो हो? हो आप कैंसिलेशन करा रहे हो जब पोल जीरो इन्फॉर्मेशन को भी हटा रहे हो वहां से कुछ ना कुछ समझ रहे हो तो अकॉर्डिंगली चीजों को डील करना पड़ता है ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कुछ भी कर दोगे निकाल लोगे. है ना? ये आप तब करते हो जब आपको लिमिटिंग वैल्यू से मतलब होता है जब आपको उस पर्टिकुलर जगह पे वैल्यू से मतलब है तो आप ऐसे चीजों को नहीं कर सकते समझ रहे तो हो तो मैथमेटिक्स को समझो अच्छे से अपने हिसाब से कुछ भी कर दोगे तो नहीं होता है मैथमेटिक्स में समझ रहे हो है ना अगर मैथमेटिक्स का ऐसा अंडरस्टैंडिंग अगर आप रखोगे तो फिर आप ही जाके यूट्यूब में उन लोगों का व्यूज बढ़ाते हो जो प्रूफ करते हैं वन इक्वस टू तो टू समझ रहे हो यूट्यूब में वीडियो देखते हो ना वन इक्वस टू प्रूफ कर देते हैं है ना एकदम मैथमेटिक्स को वायलेट करते हुए तो फिर उनके व्यूज बढ़ जाते हैं मैथ्स को समझो फील करो अमरदीप समझे डीप अंडरस्टैंडिंग पूजा भारद्वाज क्या डाउट आ गया आपका पूजा परेशान हो रही है पूजा क्या डाउट आ गया आपका कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ा है सब ने बिल्कुल अमित कुमार बात यह कंट्रोल सिस्टम की नहीं है यह पोल जीरो कैंसिलेशन का कंट्रोल सिस्टम से नहीं आता है बल्कि कंट्रोल सिस्टम मैथमेटिक्स से उसको उठाता है आप कंट्रोल में पढ़ते हो इसलिए आपको लगता है कि वो कंट्रोल का पार्ट है है ना पोल जीरो एग्जिस्ट करता है मैथमेटिक्स में जितने सब्जेक्ट होते हैं ना जितने सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हो ना सिग्नल कंट्रोल से जो पढ़ते हो ना वो सब मैथमेटिक्स को यूज करता है ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स उनसे बना है ठीक है थर्ड पॉइंट स्टार्ट से एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो हे भगवान कितना एक्सप्लेन करें कंटिन्यूटी केस में भी एल एच एस एन आर एच एस टू आता है वैल्यू डालकर देखो पूजा भरद्वाज किसका वैल्यू डाल रहे हो आप पूरा पूजा भरद्वाज मेरे को बता दो पूजा भरद्वाज आपका कुछ डाउट आ रहा है क्या मेरे को पूजा थोड़ा परेशान दिख रही है पूजा क्या हो गया बताओ आप है ना आप बताओ वहां पे आर्ग्यूमेंट किसी के साथ नहीं करना मेरे से पूछा आपका क्या डाउट है है ना मेरे से पूछा आपका क्या डाउट है ओके okay, सर समझ आ गया है ना तो इसीलिए होता है ना आप लोग को अच्छे से मैथ्स का आइडिया नहीं है मैं जान रहा हूँ ना मैं आप लोगों को अभी तीन क्लास पढ़ाया हूँ तो मुझे पता है ना कितने स्टूडेंट हैं जिनको बहुत अच्छा आइडिया है कितने स्टूडेंट जिनको बहुत अच्छा आइडिया नहीं है तो तब थोड़ा इंसान फ्रस्ट्रेट होता है ना जब आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है और आप फालतू कैसे आर्गूमेंट करते हो है ना जब आपको लगता है कि आपका नॉलेज बहुत अच्छा है ना तब आप आर्गूमेंट को पुट फॉरवर्ड करते हो ना तो अच्छा डिस्कशन होता है लेकिन आप खुद से कुछ भी बोल दोगे फिर बोलोगे अरे सर ये तो ऐसे ही होता है तो उसके लिए आपको उतना नॉलेज होल्ड करना पड़ेगा ना समझ रहे हो ठीक है? नेक्स्ट सर ओके चलो क्लियर हो गया ना पूजा भर दो पर क्या दिक्कत था बता दो कुछ दिक्कत है तो नेक्स्ट सर ओके चलो ये हो गया नेक्स्ट केस में क्या होता है <laughs> अगर मान लो अगर मान लो नंबर फोर है ना जो एल एच एल है, है ना? जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और आरएचएल और दोनों है ना लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही क्या होता है इनफाइनाइट के तौर टेंड करता है ना, अगर इन्फाइनाट उसका वैल्यू हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं इनफाइनाइट डिस्क या फिर डिस्कनिटी ऑफ सेकंड काइंड ऐसा भी बोलते हैं उसको ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लू ऐसा कुछ देखो अगर मैं कुछ ऐसा ले लू है ना तो देखो ना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है आपका इनफाइनेट राइट हैंड लिमिट क्या है आपका इनफाइनेट तो ऐसे केसेस में आप फिर क्या बोल दोगे इट इज डिस्कटी ऑफ सेकंड काइंड और ऐसे केसे आप सीधा क्या बोल दोगे कि वो क्या है डिसकंटिन्यूस है

तो ये भी आपका क्या है डिस्कटिन्यूअस फंक्शन है 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 ना ये भी आपका क्या फंक्शन क्लियर बट इसमें क्या है देखो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो ये आपका चला जाएगा डिस्कटिन्यूट फर्स्ट काइंड में चला जाएगा क्लियर तो इतनी सारी चीजें हमको जाननी पड़ती है इतनी सारी चीजें हमको जाननी पड़ती है क्लियर हो गया एकदम अच्छे से क्लियर हो गया एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एक पॉइंट बता देता हूं और एक पॉइंट बता जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ा दिया ऑसिलेटरी डिस्कंटिन्यूटी है ना जैसे कि x zero, इसका वैल्यू क्या होता है साइन ऑफ एक अंडिफाइंड वैल्यूट मीन क्या करेगा ऑसिलेट करेगा किसके बीच में माइनस वन से प्लस वन के बीच में तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की तो बात ही नहीं आती है वहां पर जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कंटिन्यूटी की बात ही नहीं आती है कंटिन्यूस तभी होता है जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द द फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ऑसिलेटरी इसमें मैंने काफी सारा दो क्लास में बातें बताई थी काफी सारे एग्जाम्पल लेके आपको दिखाया था है ना कि जब ये ऑसिलेटरी होता है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करता जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो कहां से कंटिन्यूटी की बात करोगे आप क्लियर समझ में आया सब क्लियर ना ऑसिलेटरी इसलिए बोला साइन ऑफ देखो

लिमिट अप्लाई करने पे जो ऑसिलेटरी नेचर आ रहा है ना उसके वजह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर पा रहा है इसीलिए उसके डिसकंटिन्यूटी को नाम दिया गया है ऑसिलेटरी डिस्कटीन्यूटी